हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सबसे पहले विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। तो जैसे कि आज मकर संक्रांति है और मैंने सोचा क्यों ना इस मकर संक्रांति में कुछ ऐसा किया जाए जो मैंने पहले कभी नहीं किया है। तो ऐसा मैं क्या करने जा रही हूँ तो मुंबई में ना मकर संक्रांति कैसे सेलिब्रेट की जाती है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो काइट फ्लाइंग यहाँ पे बहुत फेमस है। वैसे ही गुजरात राजस्थान में भी काइट फ्लाइंग का पूरा प्रॉपर एक फेस्टिवल इंटरनेशनल फेयर लगता है। तो मुंबई में भी काइट फेस्टिवल बहुत यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस बार पतंगबाजी करूँ, पतंग चलाऊँ। मुझे नहीं आती है, मैंने कभी पतंगबाजी नहीं की है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस तरीके से मैं मकर संक्रांति को सेलिब्रेट कर सकती हूँ। तो मैंने थोड़े बहुत यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी देखे थे। हम मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़े उसमें कुछ करनी होती है, करनी पहले आपको पतंग में जोड़नी होती है, फिर उसको पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेट्स सी, पहले मैं पतंग लूँ, फिर मैं देखती हूँ कि मुझे आती है कि नहीं आती है। एंड वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ें आनी चाहिए, आप सीखोगे पहले, करोगे तभी आपको आएगी, और उसी चीज़ का तो मज़ा है। और छोटे छोटे फेस्टिवल्स ही तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाते हैं, वो खुशियाँ लाते हैं। सबसे पहले तो वो खुशियाँ बहुत ज़रूरी है जो आपको फेस्टिवल्स आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ भरते हैं। तो मुझे भी यही लगता है। बहुत होगी इतनी सारी बातें सबसे पहले तो मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँ क्योंकि मैं अभी जिम से आई हूँ। तो पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँ और फिर पतंग लेने जाऊँ। सो यार लेट्स सी, आगे का पूरा दिन प्लान करते हैं फिर। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ ना, और मेरी विंडो से मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं जो पतंगबाजी कर रहे हैं। हाँ, मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। दिखाती हूँ। कहाँ गए? अरे 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 अरे, अभी यहीं थे। मैं दिखाती हूँ एक मिनट। तो अभी मैं जा रही हूँ पतंग लेने। तीन दिन पटा हुआ रहेगा, कहाँ से ले विदाउट कन्नी? उसका डिजाइन मेरे को ज्यादा अच्छा लगा है, पर मेरे को कन्नी बांधनी आती नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कुछ प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, बट वो ये उसमें कन्नी नहीं बांधी हुई, और मेरे को कन्नी बांधना आता नहीं है। और जो इनके पास कन्नी बंधे हुए हैं उसमें इतने ज़्यादा कुछ मतलब अट्रैक्टिव प्रिंट्स होते हैं ना, वो नहीं है। तो ये प्रिंट्स अच्छे लगे हैं, इसमें कन्नी नहीं है। बड़े में चाहिए, छोटे वाले छोटे? नॉर्मल साइज छोटा, इतना साइज ठीक है। ये कौन सा थ्रेड है? ये क्या नायलॉन? नहीं नायलॉन नहीं, मानो काट है। आप भी कर, अरे उनको बोला, उनको बोला। और हाँ, वो अभी तो किया। क्या हो गया? और वैसे भी मुंबई में नायलॉन वाले जो रहती है वो बैन कर दिए, बिकॉज ऑब्वियसली जो बर्ड्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली हो जाती है। तो जो ये फिरकी है
मेरे को तो ये भी नहीं पता ये कैसे लेते हैं लोग यहाँ पे वैसे इसको धागा तोड़ के ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब पतंगबाजी करेंगे तो ये टूटना नहीं चाहिए। कंपटीशन तो वही होता है कि किसकी पतंग काटे और कौन सबसे पहले जिसका थ्रेड टूटे, तो थ्रेड भी थोड़ा मजबूत होना जरूरी है। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि कैसा थ्रेड लेना है, तो ये दो मैं लेने वाली हूँ। थोड़ा तो मेरे को स्ट्रॉन्ग लगेगा एज अ न्यूबी आई गेस। ठीक है, तो ये जो पतंग ली थी ये 10-10 की पैकिंग थी, तो इसमें चार तो फटी हुई निकली है और ये विदाउट कन्नी थी, तो मुझे अभी लग रहा है कि कन्नी बांधना मुझसे होगा नहीं, तो ये वापस मैं रिटर्न करूँगी और कन्नी वाली लेकर के आऊँगी। तो ये वापस हो गई है और इसमें भी थोड़े अच्छे अच्छे कलर्स तो हैं। तो मैं निकल गई हूँ घर से पतंग उड़ाने के लिए, कहाँ जा रही हूँ तो देखते रहिए। और ये रहा अमिताभ बच्चन सर का घर, देखिए ना कितने सारे लोग हैं उनका वेट कर रहे हैं देखने के लिए, और आई फील ग्रेटफुल कि मैंने उनके साथ मूवी करी है। और ये रहा हमारी मूवी का पोस्टर ऊंचाई, अगर नहीं देखी है तो Z5 पर अभी देखिए। तो मैं आई हूँ अभी जुहू बीच, 5 बज रहे हैं, सनसेट हो सकता है थोड़े टाइम में, और जुहू बीच पे मैं चलाने वाली हूँ पतंग। तो ये एक्साइटिंग चीज़ थी आज की कि पतंग कहाँ पे उड़ाई जाए, और मैंने सोचा जुहू बीच से अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है हाई टाइड। हाई टाइड मुझे लग रहा है, बस देखते हैं लेट्स सी। और क्राउड बहुत है, मुझे लगता है सबके सब आज ही मकर संक्रांति सेलिब्रेट करने के लिए, सबका प्लान जुहू बीच पे आने का ही था, तो पूरा पैक दे जुहू बीच। तो चलो एक अच्छा सा कॉर्नर ढूंढकर पतंग निकालती हूँ, करनी बांधती हूँ, करनी बंधी भी है मतलब उसको मांझे के साथ बांध करके पतंग उड़ाते हैं। चलो
कुछ एक्सपर्ट्स जिनकी पतंग इतने ऊपर है कि वो दिख भी नहीं रही है। आपको कहीं दिख रही है? किधर है? कहाँ और किधर है? भैया काट दिए। वो देखो हमारी भी कुछ कम नहीं है, आसमान में दिख रही है वो ही बहुत है। बस एक पतंग तो हमारी कट गई, इन बच्चों ने काटी हमारी पतंग। अभी इन्हें के साथ कॉम्पिटिशन खुशी मना ली मैंने। अब मेरी पतंग ही नहीं उड़ रही, अब क्या करूं? ये बच्चे हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी कन्नी बांध के देंगे। वैसे मैं कन्नी बांध के लेके आई हूँ, बट इनको पता है कि कैसे बांधनी है, क्या करना है। दोस्ती कर ली मैंने बीच में बच्चों के साथ, अब इनके साथ ही कार्ड चलाऊंगी। जाऊंगी। टिल देन बाय, टेक केयर। नए व्लॉग्स आते रहेंगे, कीप वॉचिंग, बाय।